केंद्र ने वायु प्रदूषण संकट के बीच दिल्ली NCR में कुछ बिजली संयंत्रों को बंद करने, निजी वाहनों को हतोत्साहित करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने का सुझाव दिया है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने जम्मू कश्मीर में 62 एकड़ जमीन खरीदी, बनाया जाएगा भव्य मंदिर। प्रारंभ हुई बहुप्रतीक्षित रामायण सर्किट 5-स्टार सुविधाओं वाली ट्रेन रामायण सर्किट 5-स्टार ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से भी 2 गुनी शानदार। राम भक्तों के लिए अयोध्या से रामेश्वरम तक उस पूरे पथ पर यह यात्रा जाएगी, जहां जहां से वंगमन में श्रीराम, जानकी और लखन निकले। दिल्ली से चलकर पहला पड़ाव अयोध्या में, 17 दिन बाद रामेश्वरम में यात्रा का समापन। रामेश्वरम से वापस दिल्ली, फिर दूसरे यात्रियों के लिए यात्रा प्रारंभ। अभी एक ट्रेन, बाद में बढ़कर हो जाएंगी 4 ट्रेन। इस आलीशान पूर्ण AC गाड़ी में फर्स्ट AC और सेकंड AC दो ही क्लास होंगी। गाड़ी में पूर्ण शाकाहारी भोजन, शानदार रेस्टोरेंट, सुपर डीलक्स वॉशरूम आदि, पूजागृह, कीर्तन कक्ष, प्रवचन कक्ष एवं राम लखन वैदेही के रूपधारी पात्र। रात्रि में बढ़िया AC होटलों में विश्राम, भ्रमण स्थलों के लिए डीलक्स बसें, बढ़िया शाकाहारी भोजन का प्रबंध। मोदी सरकार की योजना है कि ऐसी ही एक गाड़ी वैष्णो देवी तथा दूसरी पुष्कर अजमेर के लिए चलाई जाए। कृष्णा सर्किट ट्रेन का सर्वे भी इन दिनों चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी ताकि हमारे लोग अपने फैसले खुद ले सकें और कमजोरों को सशक्त बना सकें। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी बात की। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने, हमारे अनेकानेक आदिवासी सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उनके लिए आजादी के, स्वराज के मायने क्या थे? भारत की सत्ता, भारत के निर्णय लेने की अधिकार शक्ति भारत के लोगों के पास आए, ये स्वाधीनता संग्राम का एक स्वाभाविक लक्ष्य था। लेकिन साथ ही धरती आबा की लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी थी जो भारत की आदिवासी समाज की पहचान को मिटाना चाहती थी। आधुनिकता के नाम पर, विविधता पर हमला,